नमस्कार, आप देख रहे हैं वाई एस न्यूज। बिलारी में मोहल्ला ठाकुरान कस्बा बिलारी के मोहम्मद उस्मान ने अपनी जमीन को लेकर धोखाधड़ी व बेनामा कराने के बाद रुपया न देने के संबंध में बिलारी के ही व्यक्तियों पर लगाया आरोप। कई बार पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों से की गई शिकायतें, लेकिन अभी तक नहीं हुआ कोई समाधान। पीड़ित मोहम्मद उस्मान के द्वारा बताया गया जान से मारने की भी दी जा रही है धमकियां। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। मेरा नाम सर मोहम्मद उस्मान है। मेरा एक मैटर चल रहा है नासिर हुसैन से। मेरे अच्छे बड़े करीबी संबंध थे, उठना बैठना था, एक साथ घर में खाना उना खाना था, बड़े करीबी मेरे संबंध थे। एक प्रॉपर्टी मैंने मील रोड शंकर साह स्कूल के सामने खरीदी थी उषा अग्रवाल से। उसकी पेमेंट मैंने अगले हिस्से का बैमाना करा लिया और पूरी पेमेंट मैंने उषा अग्रवाल को दे दी थी। उसके बाद उसमें एक विवाद चला था, महिंद्रा एजेंसी अशोक गर्ग की थी, उसमें वो मैंने पैसे दे दे के खाली कराई। 12.5 लाख रुपये दे के मैंने उस प्रॉपर्टी को खाली कराया। उसके बाद मैंने फ्रेश करके वो प्रॉपर्टी बेचना चाहा। किसको बेची आपने? मैंने वो प्रॉपर्टी है तो कई ग्राहक, लेकिन मेरा सौदा नासिर हुसैन प्लाईवुड वाले नेशनल प्लाईवुड वालों से हो चुका नासिर से, और 1.6 करोड़ रुपये। कहाँ के रहने वाले हैं नासिर? नासिर बिलारी के रहने वाले, पोड़ा खेड़े मंदिर पर रहते थे पहले। अब वो जो प्रॉपर्टी मैंने बेची थी, अब वो उसी में रह रहा। कहाँ पर? मील रोड पर शंकर साह स्कूल के ठीक सामने। मैं उनसे, उन्होंने कहा आप मुझे ये सौदा कर दो, मैं आपको पैसे दे दूंगा। उनका मेरा सौदा हो गया, 6 महीने का टाइम रहा, उसके पैसे नहीं हो पाए तो ये बोले भाई आप जो है हमें रजिस्ट्री करा दो, हम आपको लोन करा के पैसे दे देंगे। हमारा सौदा तो हो ही गया 1.6 करोड़ रुपये में, हमारा एग्रीमेंट भी लिख गया है, और जैसे ही आप हमें बेनामा कराओगे तो हम जो 4 महीने में 6 महीने में लोन करा के उस पर पैसे दे देंगे। हमने, हमारे बड़े करीब संबंध थे, हमने उन्हें बेनामा करा दिया। उनकी बीवी हमारे से रोती रही, बच्चे से रोते रहे, बोले अंकल बेनामा करा दो आप, हम बेईमान नहीं है, हम आपको पैसे दे देंगे। भाई चलो कोई बात ना, आप भी बस्ती के और हम भी बस्ती के, हमने बेनामा करा दिया। उसके बाद जब हम पैसे मांगते हैं तो वो हम पे जो तरह तरह के इल्ज़ाम लगाता है, हमें कहीं घेरता है, बोले तेरा पैसा, उसका मोहम्मद शाहरुख और समीर कहते हैं तेरा पैसा हम तुझ पर ही लगा देंगे और तो ये जान से मरवा देंगे और इन पैसों को अब तू भूल जा। मेरा सर, मैं तारीख पे आया था, तारीख पे सही मेरे पास हमला करा, फायरिंग करी थी, मैंने प्रार्थना पत्र थाने में दिया था, सीओ साहब के वहाँ प्रार्थना पत्र दिया था, इससे पहले भी दिए थे, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो पाती। और मेरे खिलाफ 25,000 की और रंगदारी का झूठा आरोप लगाते हैं मेरे ऊपर, और एक बार चारों भैयों के नाम की इन्होंने कोर्ट से 153 से मुकदमा डाला कि साहब 25,000 की लूट, उसके प्रूफ सारे प्रूफ मेरे पास आएंगे, मेरा पैसा उस पर ईमानदारी का 72 लाख रुपया है, बाकी पैसा मुझ पर आ चुका है। अब कैसे मुझे, मैं थक गया हूँ, 4 साल से मैं परेशान हूँ, मैं काफ़ी जगह होता केस हुआ, वहाँ से भी मुझे कोई हेल्प ना मिली, बिलारी थाने सीओ सब जगह मैं जाता रहा और मुझे धमकियाँ ही ये आमने सामने पढ़ता था तो धमकियाँ देते रहे ना, और मैं परेशान होता रहा। मैं जितना मैं ईमानदार आदमी हूँ, मैंने लोगों को मकान लिखवा दिए, ये फला आदमी के पैसे दे, मैंने उस समय की पैसे नहीं है अभी मकान लिखवा ले। कितने पैसे का विवाद है आपका? सिर्फ 72 लाख रुपये का विवाद है और वो पैसा नहीं देना चाह रहा। 2018 में इनने मुझे 18 लाख रुपये मेरे चेक से दिए थे, मुझे मेरे अकाउंट में चेक आए थे, मुझे चेक से पैसे इनने दिए थे ये 2018 में, और मैंने इसे रजिस्ट्री कराई थी 2016 में।